मेरो नाम तपेश्वर सिंह हो र म एउटा नेता हो। किशोर अवस्थादेखि नै एउटा जुनून थियो सर, भन्नु एउटा जज्बा थियो घपला गर्ने। तर मेरो बुवा एउटा आदर्शवादी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यदि 100 करोडको घपला गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो 100 करोडको गरिबमा गएर मूर्ति पनि बनाउनुहुन्थ्यो आफ्नो। म जनताको लागि धेरै काम गर्छु सिराबाट, अब उत्पादन हुन्छ कमी। एज अ नेता म जनताको लागि धेरै काम गर्छु सर। तपाईँ हेर्नुहोस्, तराईमा जब बाढी आएको थियो, बाढी आएको बेला सबै नेताहरू आफ्नो घरमा दुब्केर बसेका थिए, तर म सर घरमा दुब्केर बसेन, म आफ्नो परिवारसहित घरबाट बाहिर निस्केँ र घरबाट बाहिर निस्केर सिधै लन्डन भागे। तर सर तपाईँ कहिले हाम्रो क्षेत्रमा गएर सोध्नुहोस् कसैलाई कि म कति काम गरेछु भनेर। तपाईँ बबलु पण्डितलाई गएर सोध्नुहोस्, पहिला उमाथि 60 मर्डरको केस थियो, अहिले एउटा पनि छैन, सबै केस मैले खतम गरिदिएँ मात्र 23 लाख रुपियाँमा। तर यो सब कुरा सर मिडियाले हराउँदैन, र एक त हामीहरूमाथि आरोप लागिराखेको हुन्छ कि हामीले सबै मिडिया नै किनिहालेछु, तर त्यस्तो होइन सर, अहिले 3-4 बाँकी छ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईमानदार शर्मा और मैं एक ईमानदार नेता हूं और मैं अपने दम पर नेता बना हूं। वो अलग बात है कि मेरे पिता भी एक बड़े नेता थे, तो वंशवाद नेपोटिज्म वगैरह, लेकिन मेरे अंदर नेता बनने के गुण भी थे। मैं हमेशा से बहस में अच्छा था, बचपन में जब भी ये मुद्दा उठता था कि शाहरुख अच्छा है या सलमान, तो मैं बहस में हमेशा रो देता था। और पिताजी ने ये गुण पहचाना, कहा कि ये वोट मांगने के काम आएगा, रोना गिड़गिड़ाना, तो मैं नेता बन गया। लेकिन अब चूंकि मैं एक बड़ा नेता बन चुका हूँ, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन मेरे दिल में हमेशा से किशोर अवस्था से ही एक जज्बा था घपला करने का। तो लेकिन मेरे पिताजी एक आदर्शवादी नेता थे, वो अगर 100 करोड़ का घपला करते थे तो वो 100 करोड़ का जाके गरीबों में मूर्ति भी बनवा देते थे अपनी। दोस्तों मैंने जनता के लिए भी काफी काम किया। अब देखिए कि जब मुंबई में बाढ़ आई थी तो सारे नेता घर में दुबके हुए थे, मैं दौरे पे निकला स्विट्जरलैंड के, और लेकिन वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे रशिया आना चाहिए था। खैर दोस्तों, मैं पावर में आते देखिए कि मैंने सारे गुंडे खत्म कर दिए, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके अपना नेता बनाकर। और आप जाके क्षेत्र में पूछिए सबसे मैंने कितना काम किया है, बबलू पंडित से पूछिए, पहले 3 मर्डर का चार्ज था, आज एक भी नहीं है। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। और एक तो हम पे आरोप लगता है कि हमने सारे चैनल खरीद लिए हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है, 1-2 चैनल अभी बाकी हैं। दोस्तों फलाना पार्टी ने हम पे आरोप लगाया है, मुझ पे खास तौर पे, कि मैंने सत्ता में आने के लिए, सरकार में आने के लिए दल बदल कर दिया। दोस्तों मैं एक सच्चा इंसान हूं, जब भी मुझे कुछ गलत लगता है मैं उसी टाइम बोल देता हूं। मैंने उनसे भी कहा कि 10 करोड़ काफी गलत रेट है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, 15 करोड़ मिला, लेकिन अब मैं इस पार्टी के लिए समर्पित हूं अगले 6 महीने तक।